कबीर साहब एक जगह लिखते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। एक राम है या कई राम है? कई राम है तो कई रामायण भी होंगी। आप कितने राम और रामायण को जानते हैं? अल्लामा इकबाल की एक नज्म को खूब प्रचारित किया जाता है कि लबरेज है शराब हकीकत से जाम हिंद, सब फलसफी है खिताए मगरिब के राम हिंद, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। क्या वाकई पूरे हिंदुस्तान को राम पर नाज है? या यह भी एक सच है कि इसी भारत देश के अटूट हिस्सों में रावण की पूजा भी होती है, रावण का मंदिर है, रावण को मानने वाले लोग भी हैं? फिर ये पूरा भारत राममय कैसे हुआ? और अगर राम है तो वो कौन से राम है? साहित्य की बात करें तो एके रामानुजन कहते हैं कि 300 किस्म की रामायण है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग राम कथाएं हैं। समाज की बात करें तो जरा आप सोच कर बताइए, आपके घरों में पहली बार रामचरितमानस कब आई? उसका अखंड रामायण पाठ, उस पर रामलीलाओं का मंचन, ये सब कब शुरू हुआ? टीवी आपके यहां कब आई? और उस पर जब रामायण सीरियल आने लगा तो उसका समाज से आपके यहां राम की छवि को लेकर कैसे रिश्ता बनता है? राजनीति के राम को आप जानते हैं क्या? वही राजनीति जिसने इमारत में मूर्ति प्रकट करवाई, जिसने ताले खुलवाए, जिसने चुनावी अभियान का सफर वहीं से शुरू करवाया, जिसने मस्जिदें गिरवाई, जिसने रथ यात्रा के नाम पर हिंसा करवाई, जिसने आज पूरे राम को स्थापित किया राजनीति के केंद्रीय पात्र के रूप में। यह पूरी बातचीत अधूरी रहेगी अगर मैं एक किताब का जिक्र न करूं, सच्ची रामायण। स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला में, अभिवादन कबूल करिए लक्ष्मण यादव का। शुरुआत में ही यह बात स्पष्ट कर दूं कि आपको लग सकता है कि इस दौर में सच्ची रामायण जैसी किताब पर बातचीत करने का क्या औचित्य है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि औचित्य इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि अगर आप एक बेहतर मुकम्मल समाज बनाना चाहते हैं तो उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और मिथकीय जो रूपरेखा है उसको सीधे बातचीत करने में शामिल करना होगा। अगर आप अतीत की बातों को या अपने ऐतिहासिक साहित्यिक विरासतों को नई पीढ़ी से साझा नहीं करेंगे तो वो जो गैप है तमाम अलग अलग आख्यान यानी किस्सों में से एक किस्से को अगर बार बार दोहराया जाए ना तो लगने लगता है बाद में चलकर कि एक ही किस्सा सच था या एक ही किस्सा था, बाकी और कोई किस्से ही नहीं थे। सामाजिक न्याय की पाठशाला आपके सामने यह काम कर रही है कि आप कम से कम उन किस्सों को जाने जो कितने तरह के किस्से आपके सामने छिपा दिए गए। उनमें से एक है सच्ची रामायण की बात, सच्ची रामायण किताब। इस पर सबसे पहली बात, इसका जिक्र पेरियार की पत्रिका कुदियारसू, जिसे रिपब्लिक कहते हैं, उसके 16 दिसंबर 1944 के अंक में किया गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद द्रविड़ कड़गम पब्लिकेशन ने द रामायण अ ट्रू रीडिंग नाम से सन 1959 में प्रकाशित किया था। सच्ची रामायण नाम से इसका हिंदी अनुवाद किया गया 1968 में। इसके अनुवाद करने वालों में जो नाम मिलता है उसके प्रकाशक ललई सिंह यादव और अनुवादक राम आधार मिलते हैं। ललई सिंह यादव उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश के बिहार और यूपी के इलाके में एक प्रसिद्ध नाम है। सामाजिक न्याय की पाठशाला में उन पर भी बात होगी। प्रसिद्ध मानवतावादी विचारक हैं जो अर्जक संघ से जुड़े थे। पेरियार रामायण को कोई धार्मिक किताब की तरह नहीं मानते थे। पेरियार का यह मानना था कि राम का चरित्र एक राजनीतिक चरित्र है और रामायण एक राजनीतिक पुस्तक है। पेरियार ने एक काम यह किया कि रामायण को जो जिस नरेशन में बनाया गया उसके लिए उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने दक्षिणवासी अनार्यों पर उत्तर के आर्यों की विजय और प्रभुत्व को जायज ठहराने के लिए लिखा है। मैं सबसे प्रामाणिक तौर पर जो भूमिका लिखी है, प्रस्तावना लिखी है पेरियार ने, मैं उस प्रस्तावना को आपके बीच में रखता हूं ताकि आप ये रिश्ता बना पाए कि राम के कई किस्से और उसमें रामायण का जो चरित्र उभरा, राम के अलग अलग रूप निकले, उनमें से जो रूप आप तक पहुंचाया गया है, आपके साहित्य, आपके समाज और आपकी राजनीति, तीनों रास्तों से जो रूप पहुंचाया गया है, केवल वही रूप राम का एकमात्र रूप नहीं है।
और सारे भारतीयों की आस्था आज भी राम में एक जैसी नहीं है। यह सच है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस टाइप का मुहावरा जो हमारे यहां चलता है कि जो सत्ता में है उसकी बात सबको लगती है कि पूरी दुनिया ही बोल रही है। पेरियार ने अपनी भूमिका में क्या लिखा है पढ़िए। रामायण किसी ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित नहीं है, यह एक कल्पना है। रामायण के अनुसार राम न तो तमिल था न ही तमिलनाडु का रहने वाला था, वह उत्तर भारतीय था। रावण लंका यानी दक्षिण यानी तमिलनाडु के राजा थे जिनकी हत्या राम ने की। राम के तमिल सभ्यता कुरील संस्कृति का लेश मात्र भी नहीं है राम में। उसकी पत्नी सीता भी उत्तर भारतीय चरित्र की है, तमिल विशेषताओं से रहित है, वह उत्तर भारत की रहने वाली थी। रामायण में तमिलनाडु के पुरुषों और महिलाओं को बंदर और राक्षस कहकर उनका उपहास किया गया। रामायण में जिस लड़ाई का वर्णन है उसमें उत्तर का रहने वाला कोई भी ब्राह्मण या आर्य यानी देव नहीं मारा गया। एक आर्य पुत्र की बीमारी के कारण मर जाने की कीमत रामायण में एक शूद्र को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। आप सोच पा रहे होंगे यहां जिक्र शंबूक का किया जा रहा है। वे सारे लोग जो इस युद्ध में मारे गए वे तमिल थे जिन्हें राक्षस कहा गया। रावण राम की पत्नी सीता को हर ले गया क्योंकि राम ने उसकी बहन शूर्पनखा का अंग भंग किया, वह उसका रूप बिगाड़ दिया था। रावण के इस काम के कारण लंका क्यों जलाई गई, लंका निवासी क्यों मारे गए? रामायण की कथा का उद्देश्य तमिलों को नीचा दिखाना है, तमिलनाडु में इस कथा के प्रति सम्मान जताना तमिल समुदाय और देश के आत्मसम्मान के लिए खतरनाक और अपमानजनक है। राम या सीता के चरित्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे दैवीय कहा जाए। और ये आखिरी पैराग्राफ सबसे महत्वपूर्ण है। जिस तरह तथाकथित आजादी की बात है उस पर कभी फिर बात करेंगे हम लोग कि पेरियार कैसे आजादी के अलग मायने रखते थे। 1947 में आजादी मिलने के बाद गोरे लोगों की मूर्तियों को हटा दिया गया और उनके नामों पर रखे गए स्थानों के नामों को मिटा दिया गया तथा उनकी जगह भारतीय नाम रख दिए गए। उसी तरह आर्य देवताओं और उनकी महत्ता बताने वाली हर बात को मिटा देना चाहिए जो तमिलों के प्रति आदर और सम्मान की भावना को आघात पहुंचाते हैं। हर तमिल जिसके नसों में शूद्र द्रविड़ खून बहता है उसको इसे अपना कर्तव्य समझकर ऐसा करने की शपथ लेनी चाहिए। एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं आप इस भूमिका को देख करके समझ पा रहे होंगे कि एक भूगोल की अपनी संस्कृति होती है, उनकी अपनी परंपराएं होती है, उनकी भाषा होती है, उनकी अपनी पहचान होती है। अगर दो पहचानों में टकराहट है तो पहचान अपनी पहचान पर आधारित जो हमले किए जा रहे हैं उसके खिलाफ खड़ी होती है। तो पूरा सच्ची रामायण का चरित्र अगर देखेंगे आर्य बनाम अनार्य, द्रविड़ बनाम उत्तर भारतीय इस खांचे में लाएंगे तो वो घोर हिंसक नजर आएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि पेरियार ये कहते हैं कि यह कोई दैवीय चरित्र नहीं है, पॉलिटिकल कैरेक्टर है। पेरियार अगर राम को एक राजनीतिक चरित्र कह रहे हैं तो आज 2021 में जब हम बात कर रहे हैं तो क्या यह बात समझना मुश्किल हो रहा है क्या कि राम राजनीतिक चरित्र बन चुके हैं? राम के नाम पर वोट, जय श्री राम का नारा चुनावी भाषण में, चुनावी राजनीति में, एक देश के कोर पॉलिटिकल एजेंडे में राम और धर्म बना दिया जाए। तो आपको नहीं लगता कि पेरियार उस जमाने में कितना उचित बात कह रहे थे? एक किस्सा और है जिसका जिक्र अभी कर देना बहुत जरूरी है कि जब इसका हिंदी अनुवाद किया गया तो पेरियार के इस हिंदी अनुवाद में जब ललई सिंह यादव और इन लोगों ने प्रकाशित किया तो 9 दिसंबर 1969 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने यानी कि आजादी मिल चुकी थी सच्ची रामायण पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी के साथ पुस्तक की सभी प्रतियों को जब्त कर लिया गया। उत्तर भारत के पेरियार नाम से चर्चित हुए ललई सिंह यादव ने इस आदेश, इस मुकदमे, इस पूरे फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की, मुकदमा जीत गए और सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 3 जजों की खंडपीठ ने की। खंडपीठ में अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर तथा 2 अन्य न्यायमूर्ति पी एन भगवती और सैयद मुर्तजा फजल
अली थे। 16 सितंबर 1976 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सर्वसम्मत से फैसला देते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया और यह कहा कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे अहम है। और उसका अनुवाद आप स्क्रीन पर इसमें देख पा रहे होंगे कि फैसला किस तरह से इस पक्ष में आया। जुर्माना और हर्जाना लगाया गया सरकार को, जितनी प्रतियां जब्त की गई थी उसको वापस प्रकाशकों को लौटाया गया और इस तरह से यह टेक्स्ट आगे बढ़ा। इसके बाद कई बार इस तरह की चीजों पर आरोप सियासत में लगे। अभी 2007-08 में आया, भाजपा ने आरोप लगाया उस समय बसपा की सरकार थी कि यह पेरियार के साथ खड़ी है, राम का अपमान किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों मद्रास में भी एक मामला आया जब यह कहा गया कि जो ईश्वर को मानता है वह मूर्ख है, जिसने ईश्वर को बनाया है वह धोखेबाज है। इस तरह का जो कोटेशन है वो पेरियार की मूर्तियों के नीचे जो लगा है उसको हटा देना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने भी कहा कि पेरियार खुद इस विचार का पालन करते थे और इसकी आजादी है कि उनकी मूर्ति के नीचे उनके विचार लिखे जाएं। तो सियासत कैसे इसका इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर भी एक खास तरह की जो सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना है उसके बीच आपको सच्ची रामायण पढ़ना चाहिए। सच्ची रामायण में पेरियार ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया है कि आप याद रखिए, एक रामायण है जो वाल्मीकि रामायण है और वाल्मीकि रामायण के बाद जब रामचरितमानस, जिसे आज आप रामायण कहते हैं ना, बेसिकली वो रामचरितमानस है, तुलसीदास ने लिखा है। तो उसमें वाल्मीकि रामायण में जैसे देखिए कि सीता निर्वासन का प्रसंग है कि कैसे सीता को जंगल में भेज दिया गया, रामचरितमानस में आपको वो नहीं मिलेगा। शंबूक वध वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, रामचरितमानस में हटा दिया गया। तमाम प्रसंग ऐसे हैं जिसको काल क्रम के अनुसार तुलसीदास ने नए ढंग में पेश कर दिया। और कभी आपको पढ़ना चाहिए रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, शिवदान सिंह चौहान, यशपाल, इन सारे लोगों ने रामचरितमानस की कठोर मजम्मत की है। मुक्तिबोध का एक लेख पढ़ना चाहिए कि मध्यकालीन साहित्य के अध्ययन के कुछ पहलू, और ये सारे लोग ये बताते हैं कि जिस समय कबीर और निर्गुण पंथ पूरे भारत में या खासकर उत्तर भारत में एक तार्किक वैज्ञानिक बुद्धिवादी चेतना का प्रसार कर रहे थे, तुलसी ने जो राम कथा संस्कृत में थी उसे जनभाषा यानी अवधि में लिख करके आम जनता के बीच कूप मंडूकता का शिकार बनाने की एक साजिश रची। मुक्तिबोध तो यहां तक कहते हैं कि एक प्रगतिशील भक्ति आंदोलन तुलसीदास के बाद खत्म हो गया, क्योंकि सामंत विरोधी मूल्य जिनके खिलाफ ये भक्ति आंदोलन सामंत विरोधी मूल्यों के साथ खड़ा हुआ था, तुलसीदास उन सामंती मूल्य समझता करते। कभी साहित्य की इस बहस को भी पढ़िएगा, जानना चाहिए आपको। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह जाननी जरूरी है, राजेंद्र यादव का एक लेख भी आपको पढ़ना चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि गंगा और रामचरितमानस इन दोनों ने उत्तर भारत में कूप मंडूकता और पाखंड और अवैज्ञानिक चेतना के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आते हैं रामचरितमानस के कई खंडों यानी राम के कई कथानकों पर। एके रामानुजन का एक लेख आपको जरूर पढ़ना चाहिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे लेख। एके रामानुजन कहते हैं कि कई प्रकार की रामायण है, कंब रामायण, तुलसी की अपनी रामचरितमानस, बौद्ध रामायण, जैन रामायण, अलग अलग भाषाओं में 300 प्रकार की रामायण आपको देखने को मिलेगी। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। पेरियार ने इन सभी प्रकार की रामायणों का अध्ययन किया, कई सालों तक अध्ययन किया और उन सब को मिला के मिथकीय कहानी का मिथकीय शैली में काउंटर नैरेटिव रचा गया है जिसे सच्ची रामायण कहा जा रहा है। आपको पढ़ के ये लगेगा कि इसका प्रमाण कहां है, इस बातों का जिक्र कहां है, ये तो यूं ही कह दिए, जबकि यूं ही नहीं कही गई, उन सारी राम कथाओं को मिला करके कहा गया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, राम कथाओं में इतना अंतर है ना कि अगर एक राम कथा, अभी तो मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय कम है, किसी और वीडियो में जिक्र करूंगा जरूर, कि अगर आप एक राम के चरित्र को अगर कायदे से जान लें तो आपको लगेगा जो आज राम का चरित्र दिखाया जा रहा है ये तो गलत है, ये बौद्ध रामायण अलग है, जैन रामायण अलग है, कंब रामायण अलग है, तमिल रामायण अलग है, तमाम तरह के रामायण, नेपाली रामायण, इन सारी रामायण का अध्ययन किया पेरियार ने और उसके नाम पर मिथकीय भाषा में मिथकीय शैली में काउंटर नैरेटिव गढ़ने की किताब का नाम है सच्ची रामायण। अगर आप उसके पूरे पृष्ठभूमि को देखेंगे, सच्ची रामायण की पूरी उस अनुक्रम को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अनुक्रम में देखिए, सच्ची रामायण में सबसे पहले परिचय दिया गया है जहां विस्तार से बताया जाएगा कि इस कथा का चयन कहां से लिया गया।
पहली आवृत्ति पर ललित सिंह यादव के शब्द मिलेंगे। भूमिका है इसकी पूरी प्रस्तावना है, कथा प्रसंग यहां पर आपको विस्तार से पढ़ने को मिलेगा, फिर एक एक चरित्र के ऊपर विस्तार में उसका चरित्र चित्रण किया है पेरियार ने। दशरथ, राम, सीता, अन्य जन, रावण, राम और सीता के चरित्र। एक किताब और मिलती है जो सच्ची रामायण की चाबी के नाम से प्रकाशित हुई थी बाद के दिनों में पेरियार ललित सिंह यादव के द्वारा। उसमें आप देखेंगे तो आखिरी में मिलता है रामायण व महाभारत काव्यों पर श्री जवाहरलाल नेहरू के विचार। मुकदमों की सूची, कितने मुकदमे हुए इस पूरे कथा को लेकर के, इस किताब को लेकर के। उन विनम्र निवेदन, दो शब्द, प्रत्येक आइटम का उत्तर निम्नांकित है, परिशिष्ट और निष्कर्ष नाम से ये पूरा आपको मिलेगा। और ललित सिंह यादव के जो शब्द हैं वो आप देखिए किस तरह से वो कह रहे हैं कि राम और रामायण के सभी पात्रों को यदि भगवान का अवतार और दैवी शक्ति मान लिया जाए तब तो किसी विषय पर बुद्धि गम्य तर्क करते हिंदू हिंदू न रहकर विधर्मी हो जाएगा, बुद्ध युक्त सच्ची मानवता खतरे में पड़ जाएगी, अतः केवल मानव मात्र समझकर उनके चरित्रों का विवेचन किया जाए, सच्ची रामायण की शंकाओं का समाधान किया जाता है। और ये जो चाबी लिखी, सच्ची रामायण की चाबी, रामचरित्र उपाध्याय कृत, रामचरित चिंतामणि, मत्स्यगुप्त की साकेत, केदारनाथ की कैकेयी, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु कृत रावण और उनकी लंका, इसका रेफरेंस दिया है। दूसरे पन्ने पर आप देख पा रहे होंगे कामिल बुलके वहां कह रहे हैं कि भाई वानर भालू जो थे ये तो आदिवासी लोग थे, आपने आदिवासियों को राक्षस कहला दिया, इसका देखिए प्रसंग आपको मिल रहा होगा, वाल्मीकि रामायण से प्रसंग लिया है। जी रामदास की द इबारिजिन ट्राइब्स इन द रामायण मेड इन इंडिया में यह कहा गया है कि कैसे ये ट्राइबल्स थे जिनको राक्षस कहा जा रहा है। जैन रामायणों में जिस जाति कहा जा रहा है कि जिस जाति की ध्वजा पर बंदर का चिन्ह होता है वह बानर जात कहलाती थी, जैसा कि आजकल रूस देश में की ध्वजा पर रीछ का चिन्ह होने से रशियन बियर्स और अंग्रेजी जाति में शेर का चिन्ह होने से ब्रिटिश लायंस कहते हैं। जैन ग्रंथों की राम रावण कथा में बानर चिन्ह की ध्वजा मुकुट धारी जाति वानर वंशी कही गई है। इस तरह से जो अलग अलग रेफरेंसेस हैं वहां से लिया है। आप दशरथ के चित्र की बात करेंगे तो आप देखेंगे दशरथ को किस तरह से चरित्र अलग अलग करके बताया गया है। अगर आपको विस्तार में इस किताब को पढ़ना है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आपको मिलेगा। फिर आप देखिए राम के चरित्र का क्या क्या विश्लेषण है, और एक व्यक्ति के रूप में, एक राजा के रूप में, एक पति के रूप में, एक मनुष्य के रूप में इन चरित्रों का एक प्रतिपाठ किया जा रहा है, एक दूसरा काउंटर नैरेटिव किया जा पेश किया गया है, चाहे वो सीता हो, चाहे वो लक्ष्मण हो, चाहे राम हो, दशरथ हो, इन सारे चरित्रों के साथ अन्य जन में भरत का जिक्र मिलेगा आपको, शत्रुघ्न एक महान मूर्खतापूर्ण बात करने के लिए कहा गया, इन सभी पात्रों का अलग किस्सा आपको मिलेगा, क्योंकि आप रामायण, रामचरितमानस और टीवी सीरियल वाले रामायण से ही अपनी एक छवि बना चुके हैं। तो सच्ची रामायण इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि क्या एक ही मिथकीय चरित्र के कई रूप थे क्या, ये आपको रामायण, सच्ची रामायण किताब पढ़ने को मिलेगा। सबसे खास बात ये कि रावण को लेकर के आपको लगेगा कि वो एकदम नकारात्मक चरित्र का व्यक्ति था, लेकिन रामायण के चरित्र में रावण की बजाय जब आप सच्ची रामायण के चरित्र में रावण देखेंगे तो आपको क्या विशेषताएं दिखने को मिलेंगी। वह एक महान विद्वान था, बहुत बड़ा संत था, वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, अपने संबंधियों प्रजा का दयालुतापूर्ण पूर्वक पालन करता था, वीर योद्धा, शक्तिशाली पुरुष, शूरवीर सिपाही, पवित्र आत्मा, परमात्मा का प्रिय पुत्र, वरदानी पुरुष, जैसे क्या क्या बंगाली रामायण का जिक्र इसी में आपको मिलेगा। तो वहां देखने को मिलेगा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और एक बहुत वीर पुरुष व्यक्ति था, जो रावण ने रण क्षेत्र में मरते समय राम को अपने पास बुलाकर दयालुता के सिद्धांतों तथा राम के द्वारा उसके साथ किए गए छल कपट युद्ध के विषय में उसके कानून बताया था। कीरतवास रामायण में पाते हैं कि रावण सत्यता का उपदेश देता था, यानी अलग अलग किस्सों में राम और सीता, लक्ष्मण, इनसे लेकर के रावण तक के जो चरित्र हैं वो किस तरह अलग अलग आपको मिलेंगे। इसमें आगे जब आपको देखने को मिलेगा तो उस किस्से का एक मिथकीय चरित्र का मिथकीय शैली में ही प्रत्युत्तर दिया गया है कि विष्णु के अवतार राम थे या नहीं थे, राम के चरित्र की क्या क्या सीमाएं हैं, रावण के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थी जिन्हें
छुपा दिया गया। फिर कोर्ट का आदेश देखने के बाद आप देखेंगे इस किताब में जो ललित सिंह यादव का आखिरी का जो संदर्भ जोड़ा गया है उसमें रामायण व महाभारत काव्यों पर नेहरू के विचार भी शामिल किए गए हैं। और जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा यदि हम कोई गलत कदम उठाते हैं तो हमारी परेशानियां बढ़ जाएंगे। स्थायी भाव से महान शक्ति होती है और जब अनुचित दबाव के भय का स्थायी भाव पैदा हो जाता है तो उसका प्रतिघात बहुत बुरा होता है। और वो कहते हैं कि तमिलनाडु के विषय में दक्षिण में यह आंदोलन उनकी भाषा और उनकी जीवन शैली के कैसे खिलाफ है। महाभारत की कथा में एकलव्य की बात आती है और रामायण की कथा में शंभूक की बात आती है, उसका जिक्र आपको बहुत विस्तार में इस किताब में देखने को मिलेगा। अंत में आप देखेंगे कि इतिहासकारों का अलग अलग जो संदर्भ है वो आपको मिलेगा। आइटम नंबर में आपको विस्तार से एक एक कथा का दूसरी कथा से तुलना करते हुए राम कथा को विस्तार में समझने की चाबी दे गई है। इसलिए आपको इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए कि आप एक मिथकीय चरित्र को एक टेक्स्ट से पढ़ते हैं और आपको लगता है कि यही एकमात्र सच है उस चरित्र का, लेकिन उसके कई रूप हैं और उन रूपों में आप देखेंगे कि जो चाबी है इसने राम कथा को समझने में बहुत बड़ी भूमिका दी है। इसलिए भी इस किताब को नई पीढ़ी के लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए जिसमें वो विस्तार से कथा के निष्कर्ष और तमाम तरह के प्रतीकों और बिंबों की बात करते हैं और इतिहासकारों का जिक्र करते हैं कि अलग अलग इतिहासकारों ने क्या क्या कहा है। मेरा मानना यह है कि सच्ची रामायण पुस्तक और उसमें सच्ची रामायण को समझने की जो चाबी वाली बात कही जा रही है, इन दोनों को विस्तार में समझे बिना आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि असल में रामायण कोई एक टेक्स्ट नहीं है। तो हम जब एक मुकम्मल देश बनाना चाहते हैं और उस दौर में जिस दौर में एक मिथकीय चरित्र को पूरे सांस्कृतिक इतिहास पर ऐसे आरोपित किया जा रहा है कि जैसे वही एकमात्र सच है, तो उस मिथकीय चरित्र को उसी मिथकीय खांचे के भीतर प्रतिपक्ष के जरिए, प्रतिपक्षी विचारों के जरिए, प्रतिपाठ के जरिए, हाशिए पर ढकेल दी गई उन टेक्स्ट के जरिए समझने की कोशिश की गई है सच्ची रामायण में, जिनको आपको पढ़ने नहीं दिया गया। इसलिए आपको सच्ची रामायण की एक किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरी किताब का लिंक आपको मिलेगा, पीडीएफ लिंक, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और विस्तार में आपको ये किताब के बारे में और क्या लगा, आपको वीडियो कैसी लगी, ये सब बातें भी आप अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि आगे हम बातचीत करने में उन्हें शामिल कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बातचीत से आपको एक बुनियादी सूचना ही मिली होगी। विस्तार में तो आपको किताब को पढ़ करके मिलेगा। पढ़ने की आदत डालिए। सामाजिक न्याय की पाठशाला आपसे अपील करती है कि पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए, तर्क और विवेक से बहस करिए, स्वस्थ बहस करिए और एक समता और न्यायपूर्ण समाज बनाने में अपनी हिस्सेदारी निभाइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर लिखिएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं किताबों की पाठशाला के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।